गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड एज यू ऑल नो दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर हेलोकिन एंड हेलोरिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर का जो नेम है हेलोकिन, जो ये आईपैक नेम नोमिकुलेचर के अकॉर्डिंग लिखा गया है। एंड इसका जो कॉमन नेम है हेलोकिन को, वी कैन स्पीक इट एज एल्काइल हैलाइड ऑल्सो। जो हमारे पास हेलोकिन है, ये पहले हम इसकी नेमिंग करने जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट मेरे पास आ रहा है कि इनका कॉमन नेम कैसे करते हैं। कॉमन नेम मैंने आपको बता दिया कि हम एल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं, और आईपैक के लिए हम हेलोकिन, मींस जब कभी भी हमने लिखना है तो एल्काइल हैलाइड मींस एल्काइल ग्रुप को प्रोनाउंस पहले करना है हमने, और हेलोकिन जो हैलोजन ग्रुप है उसे इसमें आईपैक नेमिंग के अकॉर्डिंग उसे हमने पहले प्रोनाउंस करना है। डन। फिर उसके बाद राजे, अकॉर्डिंग टू आईयूपैक नेमिंग हम जो है नंबरिंग में प्रोनाउंस करते हैं। अगर मान लो कोई अटैचमेंट है वो आइसोमर की फॉर्म में या कोई ब्रांचिंग है तो उसे हम नंबर की फॉर्म में प्रोनाउंस करते हैं अकॉर्डिंग टू आईयूपैक नेमिंग जो है। और जो कॉमन नेम है उसमें हम इसे आइसो, नियो और नियो के बाद टर्ट जो है सेकेंडरी, ऐसे वर्ड जो हैं हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है कि हमारे पास जो ये आइसोमर हैं वो थ्री टाइप के रहते हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इनकी नेमिंग कैसे होती है, क्या पहचान रहती है इनकी? अगर तो सपोज़ हमारे पास जो नेमिंग जो है, मतलब देखना है पहले कि प्राइमरी किसे बोलते हैं, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अगर उस कार्बन के साथ टू हाइड्रोजन अटैच्ड हैं तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी। अगर मान लो जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है, अगर उस कार्बन के साथ वन हाइड्रोजन लगा हुआ है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी। अगर जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ तो उसे हम बोलते हैं टर्शरी। फिर उसके बाद वर्ड आता है एक आइसो एंड नियो। इन दोनों में कन्फ्यूजन रहती है कि आइसो, नियो और सेकेंडरी टर्शरी में। जो सेकेंडरी एंड टर्शरी वर्ड रहता है ये हम फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं। अगर मान लो कोई ब्रांचिंग है, कोई चेन है, वो विद दी हेल्प ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो बन रही है। नेक्स्ट है कि आइसो नियो की क्या पहचान है, क्या आइडेंटिफिकेशन है? अगर वो ब्रांचिंग जो है वो कार्बन की वजह से बन रही है तो हम उसे आइसो वर्ड यूज़ करते हैं। कि मान लो कि कार्बन के साथ कार्बन की अटैचमेंट है, अब लेकिन दिखने में वो सेकेंडरी की तरह ही लग रहा है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो इसे हम बोलते हैं आइसो। अब ये सिमिलर देखो, ये हमें बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है कि जैसे ये टर्शरी की तरह है, लेकिन जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट ओनली बिकॉज ऑफ कार्बन है, तो इन्हें हम बोलेंगे नियो। देन नेक्स्ट उसके बाद आता है कि जो हेलोकिन एंड हेलोरिन रहते हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? एज यू ऑल नो कि अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, देन वी कैन प्रोनाउंस इट एज sp3। तो उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। बट ऑल द हेलोकिन, बट जो हेलोकिन होते हैं दे आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड हेलोरिन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कि ये जो मेरे पास कार्बन है, क्योंकि इसमें क्या, इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है। एंड और आपको पता है कि जितना s करेक्टर ज़्यादा होता है उतनी क्या रहती है, उतना हमारे पास उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इट मीन्स ये बोल सकते हैं कि जो हेलोकिन है वो लेस, उसका जो कार्बन है जिस कार्बन के साथ, अब मान लो ये देखो आप, पहले इसमें सिंगल बॉन्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो है ये वाला जो कार्बन है ये मेरे पास ये डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इट मीन्स sp2 में, ठीक है,
अब जो SP3 है वो 25% उसमें एस करेक्टर है और SP2 में 33% एस करेक्टर है। जिसमें एस करेक्टर ज़्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा रहती है। डन। तो आपने ये बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास ये वाला कार्बन है ये SP3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एज़ कम्पेयर टू इसके कम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इसकी नेमिंग के टाइम, एक होते हैं जेम हेलाइड, एक होते हैं विसनल हेलाइड। जेम हेलाइड किसे बोलते हैं? अगर एक सिंगल मतलब एक ही कार्बन के साथ जो हेलोजन है वो टू लगे हुए हैं, मतलब एक कार्बन के साथ अगर दो हेलोजन ग्रुप लगे हुए हैं तो उसे बोलते हैं जेम हेलाइड। अब देखो दो हेलोजन एक ही कार्बन के साथ अटैचड है, जेम हेलाइड। फिर आता है विसनल हेलाइड। क्या होते हैं विसनल हेलाइड? होते हैं कि जब मान लो दो एडजेसेंट कार्बन है, मतलब पास पास में है, इसके पास भी हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, इसके पास भी हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है और वो सेम है। ये कोई रूल नहीं होता कि ये टर्मिनल पोजीशन पे ही रहेंगे, इन बिटवीन द चेन भी ये हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉली हेलोजन। क्या होते हैं? पॉली हेलोजन होते हैं कि जिसमें कार्बन के साथ जो है एक्सेस में हेलोजन लगते हैं, पॉली हेलोजन वो होते हैं कि जैसे कि मान लो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, या फिर ट्राइआइडो मिथेन है, या फिर ट्राइक्लोरोमिथेन है, तो ये पॉली हेलोजन है। इसमें हेलोजन जो है वो दो या दो से ज़्यादा लगे हुए हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। जो हम ये CX बॉन्ड मतलब कि कार्बन और हेलोजन के इन बिटवीन जो ये बॉन्ड रहता है, इसमें पोलैरिटी होती है। जो एक्स है हेलोजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। नेक्स्ट और बात है कि पोलर होने की वजह से यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जैसे CF एंड CCl बॉन्ड है कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इट मीन्स ये ज़्यादा पोलर होना चाहिए। क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये लेस पोलर होना चाहिए, मीन्स पोलैरिटी चार्ज सेपरेशन कम होनी चाहिए। तो रूल के अकॉर्डिंग ये भी होना चाहिए कि ये यूज़ ज़्यादा होना चाहिए कि CF जो है CCl की यूटिलाइजेशन कम होनी चाहिए, लेकिन ये इसके रिवर्स है। CF का जो है फ्लोरो के जो कंपाउंड है वो हम कम यूज़ करते हैं। क्यों कम यूज़ होते हैं? इसका फर्स्ट रीज़न तो ये है कि इनकी ओवरलैपिंग इफेक्टिव रहती है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होने की वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो स्मॉल रहती है, जिस वजह से इन्हें तोड़ना मुश्किल है होता है। इनकी ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती उतनी, क्योंकि इसमें इसका कार्बन का 2s और 2p इसके 3s और 3p से ओवरलैपिंग करता है। और ये भी इसकी रीज़न है कि जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रो नेगेटिव कम है, इसका साइज़ बड़ा, इसलिए इजी इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, लेकिन फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, वो इलेक्ट्रॉन को इजीली अकोमोडेट नहीं कर सकता। तो इसी वजह से जो CCl है इसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, इसकी पोलैरिटी कम है, और पोलर ज़्यादा होने की वजह से हम CCl को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ CF को। फिर नेक्स्ट आता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर करने के मेथड कौन कौन से हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसे प्रिपेयर करने के मेथड जो है, फर्स्ट आ रहा है फ्रॉम अल्कोहल। इसकी प्रिपरेशन हम अल्कोहल से भी कर सकते हैं, लेकिन जब अल्कोहल से इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्ट थिंग हमने क्या याद रखनी है कि जो हमने एसिड लेना है वो हमने उस एसिड को यूज़ करना है, उसका हेलो ग्रुप वो होना चाहिए जो ईजिली हाइड्रोजन और हेलोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर दे, ताकि अटैक ऑफ मतलब प्रोटोन का अटैक जो है वो ईजिली हो सके। फर्स्ट स्टेप जो है वो इजी हो सके, तो इसलिए हम जो है HI जो है हाइड्रोजन आयोडाइड ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे यूज़ करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है कि एज यू सीन कि इसके अंदर यहाँ पे, अब देखो ये यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो ये जो है यहाँ पे R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, तो नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करता है। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है कि इस प्रोसेस के दौरान कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है, तो अगर आप ये
प्रोसेस यूज़ भी करते हो, तो जो का आर ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, टर्शरी होना चाहिए। तो अब आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि अगर टर्शरी ग्रुप लोगे तो वो रिएक्शन फास्ट होगी, अगर टर्शरी ग्रुप नहीं लोगे आप प्राइमरी और सेकेंडरी लोगे तो आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। वो ऐड क्या होगा, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, क्योंकि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एक लेविस एसिड की तरह एक्ट करता है और वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इन बिटवीन बॉन्ड को क्लीवेज करने में वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसे क्लीवेज करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। इससे बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास मेथड आ रहा है बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। रिमेंबर वन थिंग कि कभी भी अगर PCl5 को हम यूज़ करते हैं तो POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सोक्लोराइड और HCl ये साइड प्रोडक्ट रहते ही रहते हैं। एंड इफ़ वी आर यूजिंग PCl3, अगर PCl3 को यूज़ करेंगे तो H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड जो है वो हमारा बनेगा ही बनेगा। तो आपने नेक्स्ट मेथड यूज़ करना है फॉस्फोरस हैलाइड। इसके बाद नेक्स्ट हम मेथड यूज़ करते हैं थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड जो है वो बेस्ट मेथड है इंडस्ट्रियल लेवल पे, क्योंकि SOCl2 में हमारे पास साइड प्रोडक्ट SO2 और HCl निकलते हैं और ये दोनों गैसेस होती हैं, तो गैसेस की एवोल्यूशन करनी ईजी रहती है, बाहर निकालना ईजी रहता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ईजिली ऑब्टेन हो जाता है। तो बेस्ट मेथड जो यूज़ हो रहा है इसकी प्रेपरेशन के लिए वो है थायोनिल क्लोराइड। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एंड येट इफ़ यू फील एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू।